हमारा नाम कृष्णा प्रजापति है। आज हम आप लोगों को वन ईयर हाइट गेज के ट्यूब स्टेशन के बारे में बताएंगे, कैसे वन ईयर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग की जाती है, कैसे उसके हाइट को मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, हाइट गेज वन ईयर हाइट, जैसे कि हम लोग पहले मार्किंग करते थे, तो इसके पहले हम लोग सरफेस गेज या आडले कैलिपर से मार्किंग करते थे, जिससे मार्किंग हमारी 0.5 mm या 1/64 inch के एक्यूरेसी में होती थी। लेकिन जिस जैसे जैसे औद्योगिक क्षेत्र में विकास होता गया, वैसे वैसे एक्यूरेसी की मांग होती गई। इसको देखते हुए हम लोग एक ऐसे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किए, जिसके द्वारा 0.02 mm की एक्यूरेसी में माप ली जाती है। वह प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है हमारा वन ईयर हाइट गेज। ठीक, वन ईयर हाइट गेज द्वारा हम किसी जाप के ऊपर 0.02 mm या 0.001 inch के एक्यूरेसी में माप लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वन ईयर हाइट गेज के प्रिंसिपल के बारे में हम आपको बताएंगे, ये किस प्रिंसिपल के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, वन ईयर हाइट गेज बिल्कुल वन ईयर कैलीपर के सिद्धांत पर काम करता है। वन ईयर हाइट गेज दो अनुरूप स्केलों के अल्पतमांक के अंतर के सिद्धांत पर काम करता है। एक हमारा मेन स्केल होता है और एक वन ईयर स्केल होता है, लेकिन यह किस मैकेनिज्म के द्वारा काम करता है। जैसे वो वन ईयर कैलीपर होता है, स्लाइडिंग करने से कार्य करता है, लेकिन यह इसमें एक मैकेनिज्म लगा रहता है वन ईयर हाइट गेज में, जो रैक और पिनियन मैकेनिज्म होता है, उसके अनुसार यह स्लाइड करता है। क्या कहते हैं, वह स्लाइड करता है ऊपर, रैक और पिनियन के रैक और पिनियन मैकेनिज्म के अनुसार वह स्लाइड करता है पिनियन ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया वन ईयर हाइट गेज के वन ईयर कैलिपर के प्रिंसिपल के सिद्धांत पर काम करता है। तो वन ईयर कैलिपर जैसे इसमें होता है, दो स्केल होते हैं, एक हमारा यह वन ईयर हाइट गेज का मेन स्केल हो गया, और ये यहाँ पे आपका वन ईयर हाइट गेज में वन ईयर स्केल बना हुआ है। ठीक, तो यह मेन स्केल और वन ईयर स्केल के अल्पतमांक के सिद्धांत पर काम करता है। तो यह इसका लिस्ट अकाउंट होता है 0.02 mm। 0.02 mm कहाँ से आता है, इसके बारे में पहले हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम मेन स्केल के 49 खाने को वन ईयर स्केल के चार डिवीजन में विभाजित करते हैं, तब यहाँ से एक वन ईयर स्केल बराबर आ जाएगा 50/50, क्योंकि हमारा लिस्ट अकाउंट आपको पहले ही हम बता चुके हैं, जो
हमारा प्रिंसिपल है कि एक एम एस सी माइनस एक बी एस सी के ऊपर कार्य करता है, तो यहाँ पे एक मेन स्केल हमारा हो जाएगा 1 mm और एक वनियर स्केल का मान यहाँ पे हमने आपको निकाल कर बताया है, तो यहाँ पर लिस्ट डाउन बराबर हो जाएगा। मेन डिवीजन का 1 खाना और वनियर डिवीजन का 1 खाना। यहाँ से हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 49 हो जाएगा। यहाँ पे 1/50, यहाँ से जब हम भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे, एक बार 1 0 बढ़ेगा, फिर 1 0 बढ़ा लेंगे, अर्थात 50 × 100 यानी 0.02 mm। यहाँ से इसका लिस्ट लगाऊंगा तो कितनी के एक्यूरेसी में हम कितने के एक्यूरेसी में हम किसी जाप का मार्किंग और उसका हाइट उसके हाइट किसी जाप का हाइट के मेजर में करते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम बताते हैं मटेरियल लिख के, तो मटेरियल बोला कर रिकॉर्डिंग कर। इसके बाद अगला पॉइंट आएगा मटेरियल। वनियर हाइट गेज किस मटेरियल का बना होता है? वनियर हाइट गेज जो होता है या वनियर हाइट गेज स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और निकल की मात्रा होती है, इसे हम कह सकते हैं निकल क्रोमियम स्टील एलाय का भी बना होता है, इसलिए दोनों धातुओं का बना होता है वनियर हाइट गेज। क्रोमियम एलाय का वनियर हाइट गेज बना होता है। इसके बाद आ जाता है साइज। वनियर हाइट गेज कितने साइजों में होता है? अक्सर वनियर हाइट गेज को हम जो वनियर हाइट गेज हम यूज करते हैं वह 300 mm साइज का होता है। ठीक है, वनियर हाइट गेज 300 mm साइज का यूज किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आएगा हमारे वनियर हाइट गेज में जीरो सेटिंग। वनियर हाइट गेज का यूज करने से पहले उसकी जीरो सेटिंग हम चेक कर लेते हैं। वनियर हाइट गेज को हम पहले सरफेस प्लेट पर रखते हैं और आप डेट स्क्राइबर को उसमें लगाकर सरफेस प्लेट से मेस कराते हैं, तो वहाँ पे जो वनियर का जीरो होगा वह मेन स्केल के जीरो से मैच करेगा, तो यह हमारा जीरो सेटिंग होगा। यदि हम स्टेट स्क्राइबर का यूज करते हैं तो स्टेट स्क्राइबर का यूज करते हैं तो सरफेस प्लेट पर हम वनियर हाइट गेज को रखेंगे और उसमें स्टेट स्क्राइबर को लगाएंगे। लगाने के बाद हम एक टेस्ट पीस आता है, स्टैंडर्ड टेस्ट पीस आता है जो 30 mm का होता है, उसको स्टेट स्क्राइबर के नीचे लगाएंगे और वहाँ से 30 mm का जो मेजरमेंट होता है वहाँ से मेजरमेंट कर हम जीरो सेटिंग कर ले। जीरो सेटिंग के बाद पॉइंट आता है, होता है कि पार्ट वनियर हाइट गेज में कितने पार्ट होते हैं। पार्ट पहले पार्ट खत्म के बाद वनियर हाइट गेज बनी कम है। वनियर वनियर हाइट गेज के पार्ट ने वनियर हाइट गेज का पार्ट ने बताने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं वनियर हाइट गेज किस तरह का दिखाई देता है। देखिएगा आप ये ड्राइंग हम उसका बना रहे हैं। वनियर हाइट गेज के पार्ट ने के बारे में अभी हम आपको बताते हैं। ये जो होता है ये इस पार्ट का पार्ट नेम होता है बेस। यह हमारा होता है लॉकिंग स्क्रू।
सब्सक्राइबर। तो ये जो हो गए वन ईयर हाई गेज के पार्ट नेम हो गए। अब इसके आगे हम देखेंगे मेथड ऑफ मार्किंग, कैसे वन ईयर गेज से मार्किंग की जाती है उसके बारे में बताएंगे।